Hey guys, what's up? It's your boy Osama Khan back again with a brand new vlog. Assalamu alaikum, ummeed hai aap sab log khairiyat se honge, main bhi khairiyat se hoon. To jaise ki aap logon ne vlog ka title dekh liya aur ye jo vlog hone wala hai wo bahut zyada hi bomb hone wala hai kyunki aaj ka jo content hai bahut hi zyada bomb hai. To ye vlog end tak dekhiye aur enjoy kariye. Stay tuned, stay connected. फिर से मैं एक ब्रांड न्यू वेव का ब्लॉग लेकर आ गया हूँ और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा ही बॉम्ब होने वाला है क्योंकि जो ज्यादातर मेरे चैनल पे ऑडियंस है तो उनको वेव और वो वॉच में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैंने बोला दोबारा एक और ब्लॉग बनाता हूँ. और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे शॉप वगैरह देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इस शॉप को डेकोरेट वगैरह करा हुआ है और लाइटिंग वगैरह भी अच्छी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और LED वगैरह लगी हुई है. तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जैसे कि आप लोग इस तरफ देख सकते हैं कि लाइन से सॉल्ट बेसिस लगे हुए जूसेस और ये प्री बेस के वेब्स के जूसेस लगे फ्लेवर्स लगे हुए. तो मैं कंप्लीट रिव्यू आपको बताऊंगा इस शॉप का और ये बताऊंगा कि इस शॉप पे कौन कौन से वेब्स अवेलेबल हैं और अवेलेबल है और फ्लेवर्स अवेलेबल है और इनके बाद एक्सेसरीज वगैरह है नहीं है. क्यों सबसे ज्यादा जो डिमांड आती है वो एक्सेसरीज की आती है. कभी कभार वेब के पॉट्स खराब हो जाए तो वो रिपेयर हो जाते हैं कॉइल वगैरह. तो ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा और एंजॉय करिएगा. स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से शॉप कितनी खूबसूरती से डेकोरेट करी है. आप इसके पीछे इंटीरियर वगैरह देख सकते हैं, चेयर्स वगैरह रखी हुई, LEDs रखी हुई. अब हम इस तरफ आते हैं तो जैसे कि मैं इस शेल्फ की तरफ बढ़ता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइन से फ्लेवर्स की कलेक्शन लगी हुई है. वो प्री बेस्ड जूसेस भी है और सॉल्ट बेस्ड जूसेस भी है. वो मतलब के पॉट्स के भी है और वेब्स के भी. ऊपर ये टोक्यो के ब्रांड लगे हुए, ऑर्नी लगे हुए, BLE के लगे हुए, नीचे आ जाएंगे रेड्स के लगे हुए और जॉनी क्लीन पफ के लगे हुए और माशाल्लाह से बहुत सारे स्लगर वगैरह रखे हैं, बियॉन्ड रखे हैं और नीचे राइट वेव्स रखे हैं. ये लॉर्ड्स की फ्लेवर्स रखे हैं और इस तरफ जैसे आएंगे हम तो आइस पॉप्स वगैरह जो बहुत ज्यादा ही फेमस ब्रांड्स हैं उनके रखे हैं और इस तरफ जो है ये स्विस के रखे हैं और बाकी आप लोग देख सकते हैं ये टोक्यो के. ये थोड़े प्रीमियम वर्जन वाले जैसे गोल्डन बॉक्स वाले जो भाई ने बताए थे इससे पिछले वाले ब्लॉक के अंदर और ये हाइड्रेट वगैरह करके नीचे BIB के. माशाल्लाह से इनके बहुत ज्यादा वैरायटीज है, कलेक्शन है इनके पास वेव के फ्लेवर्स के अंदर भी और पॉट्स में जो सॉल्ट बेस के फॉर्म में डालते हैं उसके अंदर भी बहुत ज्यादा वैरायटी है. आपको आइस पॉप के फ्लेवर्स निकाल के दिखा देता हूँ. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आइस पॉप के फ्लेवर्स हैं, ये ब्लू रसबेरी फ्लेवर है और ये दूसरा जो है ये है जूसी मैंगो स्ट्रॉबेरी. और इसके अलावा और भी रखे हैं जैसे बी गॉड वगैरह की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंगो बॉम रखा हुआ है. तो माशाल्लाह से इस शॉप पर बहुत ज्यादा कलेक्शन अवेलेबल है फ्लेवर्स के रिलेटेड, आइस में, नॉन आइस में और सॉल्ट बेस्ड वाले जो निकोटीन्स है वो भी और जो फ्लेवर जूसी फ्लेवर जो है उसके अंदर भी. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शेल्फ है ये पूरे फ्लेवर्स वगैरह से भरा हुआ है और अब हम दूसरे शेल्फ की तरफ बढ़ते हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे ये डिवाइसेस लगी हुई है और डिवाइसेस में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लाइन जितनी भी आपको ये कलेक्शन नजर आ रही है सारी पॉड्स हैं. और इसके अलावा अगर हम इस शेल्फ की तरफ बढ़े और ये ऊपर का पोर्शन है इसके अंदर वेव्स की डिवाइसेस अवेलेबल है. तो हम लोग अभी डिवाइसेस निकालते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इनकी प्राइस वगैरह है, कौन से ब्रांड्स हैं और इस शॉप पे कौन कौन से वेव डिवाइसेस और पॉड डिवाइसेस अवेलेबल है. तो मैं आप लोगों को एक एक करके डिवाइस दिखाता हूँ. जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ये है गीकवेव की डिगी यू पॉड किट जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही है और ये एक न्यू डिवाइस है. और इसकी जो फीचर वगैरह है जैसे कि आप देख सकते हैं कार्टून वगैरह जो इनके ऊपर पैटर्न वगैरह बने हुए हैं इससे काफी व्यूअर्स और जो
यूजर्स हमको काफी अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कामयाब डिवाइस है बी थ्रू प्रो वोको की। और इसके अलावा आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलिबर वगैरह की लगी हुई है और ड्रैग नैनो 2 लगी हुई है और इसके अलावा वी मेट ई लगी हुई है। तो माशाल्लाह से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डार्क क्लाउड वेपर्स की शॉपर में आया हूँ और इनके पास माशाल्लाह से बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल है वेव डिवाइसेस के अंदर, पॉड डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा मैं आपको वेव डिवाइसेस भी दिखाता हूँ। ये कैलिबर के डिवाइस है जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोको प्राइम, और ये भी बहुत ज्यादा मतलब इसके यूजर्स बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा ड्रैग नैनो 2 इसके भी यूजर्स काफी हैं। और इसके अलावा वी मेट ई ये भी काफी कामयाब डिवाइस रह चुकी है। और जितनी मैंने अभी डिवाइसेस दिखाई और पीछे जितनी डिवाइसेस लगी पॉड्स की, तो इनके अंदर आपको कलर्स वगैरह की वैरायटी बहुत ज्यादा ही मिलेगी। और इसके अलावा अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वेव्स, जो सबसे ज्यादा बॉयस का मतलब ये कह सकते हैं कि शॉक है, क्योंकि इसके अंदर जो स्मोक है ना उसकी तादाद जो है ना निकलने की बहुत ज्यादा होती है, स्मोक ज्यादा निकलता है इसके अंदर। और शशकों के लिए भी एक तरीके से ये बहुत ज्यादा बॉयस देते हैं। तो अभी जो मेरे हाथ में इस वक्त डिवाइस है ये है वोको की ड्रैग E60, और ये भी न्यू डिवाइसेस हैं और काफी ज्यादा इन है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वोको का एक ब्रांड है जिसकी है ये ड्रैग H80S, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये वेपरेसो की स्वैग PX80, इससे पहले जो मैंने ब्लॉग बनाया था वेव का उसके अंदर ही मैंने ये सारे डिवाइस दिखाए थे। और इसके अलावा जो है ये वेपरेसो की जैन S है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूंगा ये जो वेव डिवाइसेस अभी आप लोगों के सामने रखी है जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाई है, तो इनके जो वॉट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये 60 वॉट है, इसके बराबर जो है 220 वॉट्स है, और बाकी ये जो दो है ना डिवाइसेस ये है 80 वॉट्स की। तो मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि वेव्स जो है ना इनके अंदर वॉट्स का जो है ना बहुत ज्यादा ही मतलब कमाल होता है कि इसमें ज्यादा वॉट्स जितने होंगे उतना ज्यादा आपका स्मोक डेवलप होगा। और जो वॉट्स के अंदर अगर हम आए तो उसके अंदर थोड़ा लिमिटेड वॉट्स होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको हेड भी मिलता है और स्मोक भी थोड़ा वेव डिवाइस से कम मिलता है। तो भाई ये तो वही पॉड डिवाइस और वेव डिवाइस। अब कुछ जो यूजर्स हैं वो पॉड डिवाइसेस और वेव से हटके ना वो डिस्पोजेबल डिवाइसेस मांगते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आजकल ये जो रफ पफ का जो ब्रांड है ये बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है और मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। तो इसके अंदर ये जो दो डिवाइसेस है ना ये है 7,500 पफ्स की, 7,500 पफ्स की डिवाइसेस है, और ये आपको मार्केट में 5,000-4,500 की रेंज में आपको मिल जाएगी। किसी शॉप पे थोड़ा हाई होगा किसी पे थोड़ा लो होगा, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बार्गेनिंग करके डिवाइस को परचेज करता है। तो डिस्पोजेबल वेव्स के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा वैरायटीज मिल जाएंगी। इनके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, जो दूसरे जो फ्लेवर्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा हटके इनके फ्लेवर्स होते हैं, और इसमें डिवाइस में आपको कलर्स वगैरह मिल जाएंगे आराम से। तो आज का ब्लॉग मेरा बेसिकली ये वेव शॉप के ऊपर था, और जिस शॉप पर मैं आया हूँ इस वक्त, तो ये जो शॉप है ये है डार्क क्लाउड वेपर्स। डार्क क्लाउड वेपर्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और सामने इनका लोगो देख सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ इनकी शॉप पर, और ये जो ब्रांच है ये गुलशन इकबाल के अंदर है, और बाकी जो इसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है वो ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 शॉप नंबर 3 प्लॉट नंबर 7 FL6। तो आप लोग किससे ही पूछेंगे डिस्को बेकरी की तरफ, तो आपको डायरेक्ट आप लोग इस लोकेशन में भेज देंगे, वरना मैं इस शॉप का जो एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप लोग जरूर इस शॉप पर विजिट करें और इंजॉय करें। अरे भाई, तो ये डार्क क्लाउड वेपर्स जैसे कि आप लोग लोगो देख सकते हैं और ये सामने भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा सा इन्होंने लोगो बनाया हुआ है डार्क क्लाउड वेपर्स का, और इनके अंदर माशाल्लाह से बहुत ज्यादा वैरायटी कलेक्शंस अवेलेबल है फ्लेवर्स के अंदर, और वेव डिवाइसेस, स्पॉट डिवाइसेस, डिस्पोजेबल वेव्स और एक्सेसरीज भी इनके पास अवेलेबल है। तो आप लोग आराम से आए, बेफिक्र होकर आए। और जो मैं हमेशा हर ब्लॉग के अंदर बोलता हूँ कि अगर आप लोग मेरा नाम लेंगे, मेरा रेफरेंस देंगे उसामा ग्राफर, तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा, और चीज से जो इनके चीज अवेलेबल है, जो इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनसे बेफिक्र होकर आप लोग परचेज करें और एंजॉय करें, और मुझे इसी तरीके से प्यार दें। और तो ये सब ब्लॉग बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये सब ब्लॉग बनाता हूँ। तो आप लोग बस ये छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। फिर मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।